नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। आज है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन। 72 साल के वो हो चुके हैं और इस मौके पर तेजस्वी यादव हैं रांची के रिम्स अस्पताल में और उनकी मुलाकात पिता लालू यादव से हो चुकी है। आप देखिए, तस्वीर आई है रांची के रिम्स अस्पताल से, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके छोटे बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। माना जा रहा है कि ये मुलाकात जन्मदिन की बधाई के साथ साथ बिहार की नई दिशा भी तय करेगी राजद के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से, किस रणनीति के साथ जनता के बीच जाना है। इससे पहले आप तेजस्वी यादव का वो बयान भी सुन लीजिए, जब वो पटना से रवाना हो रहे थे, बाय रोड पहुंचे हैं रांची, तो उस वक्त मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा था। जन्मदिन है, इसको गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाए। देखिए, जो लालू जी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि गरीब के साथ हम लोग खड़े रहे, उनकी मदद करते रहे। लालू जी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि गरीब का पेट भरे, बेरोजगारों को रोजगार मिले, कृषि किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, मजदूरों को जो है सम्मान मिले। अभी क्या जीत के कुछ मंत्र लेके आइएगा, अभी कुछ खाना खिलाइएगा कल। अरे हम लोग सब लोग खिलाई ले हर जगह, आप तो रांची में होंगे। जीत का मंत्र कुछ लेके आइएगा चुनाव के लिए, पिता से कुछ गाइडलाइन कुछ सीख, कुछ मंत्र। अरे भाई, वो तो है, चुनाव का छोड़िए, अभी गरीब का चिंता करिए। तो आपने सुन लिया, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि लालू प्रसाद यादव के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि सभी बेरोजगारों को रोजगार मिले, सभी भूखों को खाना मिले। तो आज लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर 72,000 गरीब लोगों को राजद की तरफ से खाना खिलाया जाना है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की रांची के रिम्स अस्पताल में पिता लालू यादव से मुलाकात भी हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव की मुलाकात, तेजस्वी यादव का अगर हम नाम नहीं ले, अगर ये कहें कि राजद को लीड कर रहे उस नेता की मुलाकात जो बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी परीक्षा के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मुलाकात होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए तमाम तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बिहार में शुरू कर दी गई हैं। और इस बीच लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि बातचीत हुई होगी, क्या सब चल रहा है बिहार में इस पर चर्चा हुई होगी, पार्टी को कैसे लीड कर रहे हो ये भी पूछा गया होगा, और महागठबंधन के साथ कैसे मिलकर चलना है, तालमेल बन रहा है, सब ठीक है कि नहीं, ये भी जानकारी लालू प्रसाद यादव की तरफ से ली गई होगी। चूंकि लालू प्रसाद यादव भले ही रिम्स अस्पताल में है, लेकिन बिहार की मॉनिटरिंग बड़ी पैनी नजर से वो करते हैं, क्या कुछ चल रहा है सभी पर ध्यान देते हैं, और आदेश पारित होता है रांची के रिम्स अस्पताल से जिसे फॉलो किया जाता है बिहार में। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, बिहार पर रणनीति बनी होगी, चर्चा हुई होगी, किस तरह से बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करना है इस पर भी बात हुई होगी। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। देखने वाली बात हुई कि आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्या तेजस्वी मीडिया से रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं क्या कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात में उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक करिए, और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।